विभा जी, बात करें यहाँ से अगर अब वीट की, गेहूं की, तो हमने देखा है कि बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर क्राइसिस के चलते अपने अपने एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया है। इंडोनेशिया और मलेशिया ने एडिबल ऑयल का लगाया है, यूएस ने बहुत सारे कमोडिटीज़ का लगा दिया है, यूरोपियन यूनियन भी शामिल है और इसमें नाइजीरिया भी है, हंगरी ने अपने ग्रेन्स पर लगाया है, रशिया यूक्रेन से भी पहले ही हम देख चुके हैं कि वहाँ से भी एक्सपोर्ट प्रभावित है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर सप्लाई और डिमांड का मिसमैच बनता है वीट के अंदर, जो कि हम इसमें और अभी भी देख ही रहे हैं, अगर ये मिसमैच और ज़्यादा गहराता है तो वीट की कीमतों में अभी और कितनी तेज़ी देखने को मिल पाएगी फिर? देखिए, अगर ज्यादा मिसमैच होता है तो थोड़ा बहुत बाजार जो है वो ऊपर जा सकता है। ऑलरेडी हमने तेजी आते हुए देख ली है और यहाँ पर भी प्रोडक्शन अच्छा खासा है, तो अगर तेजी बनती है यहाँ से 100-200 पॉइंट का एक अपसाइड बनता हुआ दिखाई देता है। जी,